एवरीवन, मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सअप, ट्विटर, टेलीग्राम एक्सेट्रा। और इसकी पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको करवाए थे सर्च इंजन्स क्या कौन कौन से होते हैं, गूगल, बींग, आस्क, याहू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ जाके चेक करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई अपडेट्स के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यह है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सअप, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम एक्सेट्रा। बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ये है मेरे डिजिटल मार्केटिंग के हैंडमेड नोट्स यूनिट 4। और भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनके आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करवाऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सबसे पहले है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जो आज की यूथ है वो बहुत मतलब जो यूथ है वो सभी यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को। इंस्टाग्राम इज़ अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चैनल विद अ हैवी इम्फेसिस ऑन विजुअल्स। द साइट लॉन्च एज इंस्टाग्राम जो साइट है वो लॉन्च की गई थी 2010 के अंदर, बट ये अब परचेज कर ली है फेसबुक ने व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम दोनों परचेज कर लिए हैं। इट हैज़ मोर देन 1 बिलियंस मंथली एक्टिव यूजर्स। इसके ऊपर 1 बिलियन से ज़्यादा मंथली यूजर्स हैं जो एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड यूजर्स एंड इट मेनली अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है, मोबाइल के ऊपर इंस्टाग्राम आईडी बनाते हैं और यूज़ करते हैं, लाइक फेसबुक की तरह। इंस्टाग्राम ऑफर्स टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट ओपिनियंस टू हेल्प बिजनेस यूजर्स रीच अ स्पेसिफिक यूजर। इंस्टाग्राम ऑल्सो यूजर्स रीच अ स्पेसिफिक यूजर्स। इंस्टाग्राम ऑल्सो ऑफर्स वेरियस पोस्टिंग ओपिनियंस इंक्लूडिंग फोटोज, वीडियोज, स्लाइड शो, स्टोरीज एंड लाइव स्ट्रीम्स। इंस्टाग्राम आपको बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है, फोटोज पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, वीडियोज, रील्स जिसे आप बोलते हैं वो पोस्ट करते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, लाइव आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम से आप बहुत से बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे उसकी स्टोरीज लगा के, इंस्टाग्राम पे उसकी फ़ोटोज़ लगा के आप उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम एक मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है, मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो यूज़ किया जाता है यूज़र्स के थ्रू द्वारा। अब फिर उसके बाद है फेसबुक। फेसबुक इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड विद 2.7 billion एक्टिव यूजर्स, मोर देन द थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यूजर्स। फेसबुक फाउंडेड ऑफ February 4, 2004। फेसबुक इज द कंटिन्यूस इवॉल्वेड थ्रू द ईयर ऑफ इट द नीड ऑफ फर्स्ट यूजर्स एंड अट्रैक्ट न्यू वंस। फेसबुक के ऊपर 2 billion से ज़्यादा यूजर्स एक्टिव रहते हैं। बहुत पहले 2004 के अंदर फेसबुक लॉन्च की गई थी। फेसबुक के ऊपर आप अपने सोशल मीडिया मतलब एड्स डाल सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, जो आपको टारगेट चाहिए, जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं वो ऑडियंस आप अचीव कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। फेसबुक ये दे रखा है, फेसबुक और जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है वो दोनों इंक्लूड कर लिए हैं फेसबुक ने खरीद लिए हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। बिजनेस कैन क्रिएट देयर ओवन पेजेस, ग्रुप्स एंड इवेंट्स। फेसबुक बिजनेस जो भी हमें हमारे इवेंट्स हैं, जो भी हमारी टारगेट एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अचीव कर सकते हैं हम थ्रू फेसबुक, क्योंकि बिलियंस पीपल्स यूज़ फेसबुक। आप अपने पुराने फ्रेंड से मिल पाते हैं फेसबुक के थ्रू। अगर आपके पास उनका कोई भी नंबर नहीं है तो आप फेसबुक के थ्रू उनसे कॉन्टेक्ट कर पाते हैं। हाउ वॉन्ट टू इंक्रीज विजुअल टू स्पेसिफिक कंज्यूमर्स। बिजनेस कैन ऑल्सो यूज़ फेसबुक मैसेंजर टू सेंड पर्सनल मैसेज टू कंज्यूमर। बिजनेसेस जो होते हैं वो यूज़ करते हैं फेसबुक को, किसी भी हमें पर्सनली किसी भी कंज्यूमर को हमें मैसेज सेंड करना है कि ये जो हमें फॉलो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो हमें फॉलो करते हैं हमें उनको मैसेज सेंड करना है, तो फेसबुक के थ्रू हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। लिंक्डइन इज़ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया पर्सनल नेटवर्किंग है, ये पर्सनल नेटवर्किंग है जिसके ऊपर 3 million से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स होते हैं इन ए मंथ। लॉन्च किया गया था 2003 के अंदर। अलाउज यूजर्स टू एड रिज्यूम्स
कनेक्ट विद अदर्स देयर इंडस्ट्रीज एंड इवेंट पोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्स टू अ जॉब लिस्टिंग इन अ मार्केटिंग सेंस लिंक्डइन द ऑफन स्पेशलाइज यूजर यूजफुल फॉर बी टू बी बिजनेस इट इवन ऑफर्स पेड एड्स एंड कंटेंट पब्लिशिंग ऑप्शंस बी टू बी का मतलब बिजनेस टू बिजनेस जब बिजनेस एक बिजनेस मान लीजिए एक बिजनेसमैन है बिजनेस है एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस की कोई भी चीज़ चाहिए है कोई भी सामान की ज़रूरत है तो आप उससे लिंक कर सकते हैं लिंक आप उनसे लिंक कर सकते हैं थ्रू लिंक्ड इन से तो उससे आपका क्या होगा कि आपको कोई भी एड्स डालनी है जैसे कि यूट्यूब पे एड्स आते हैं फेसबुक पे भी एड्स आती हैं आप कोई भी सोशल मीडिया साइट्स पे देखेंगे उन पे जो एड्स आते हैं एडवर्टाइजमेंट पब्लिशिंग ऑप्शंस जो होते हैं वो आप उनके ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इज़ अ पॉपुलर मोबाइल मैसेजिंग ऐप पॉपुलर मोबाइल मैसेजिंग ऐप है जिस पे आप मैसेज भेज सकते हैं टेक्स्ट कर सकते हैं इमेज सेंड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं वीडियोस सेंड कर सकते हैं इंडिविजुअल और इन ग्रुप इंडिविजुअली भी सेंड कर सकते हैं और ग्रुप के अंदर भी सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप इज़ अ पॉपुलर मोबाइल मैसेजिंग ऐप यू कैन यूज़ इट टू एंड सेंड मैसेजिंग टेक्स डॉक्यूमेंट ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट टू द अनदर यूजर इंडिविजुअली और इन ग्रुप इंडिविजुअल और ग्रुप के अंदर सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप क्या होता है एक एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है जिसके अंदर जो आपके मैसेज हैं जो मैसेज आप सेंड कर सकते हैं सेंड करते हैं वो सेफ़ होते हैं। ये सेफ किस तरीके से होते हैं जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप खोल के देखना किसी भी जो भी आपके व्हाट्सएप के ऊपर है उसके ऊपर देखना जब आप मैसेज करते हो तो ऊपर लिखा था एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि ये होता है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। क्रिप्टोग्राफी का क्या मतलब होता है जो आपने मैसेज सेंड किया है एक यूज़र ने सेंड किया है और वो जो दूसरे यूज़र तक जाता है तो उस प्रोसेस को जो बीच में जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी ई कॉमर्स के अंदर एक टॉपिक आया था पिछले सेम के अंदर या उससे पिछले सेम के अंदर मुझे याद नहीं है अभी। लॉन्च इन 2010 द कंपनी इज नाउ ओन्ड बाय द फेसबुक अलॉन्ग विद द इंस्टाग्राम। जो ये कंपनी है व्हाट्सएप ये फेसबुक ने खरीद लिया है इंस्टाग्राम के साथ। व्हाट्सएप नाउ हैज़ मोर देन 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। व्हाट्सएप के ऊपर 2 बिलियन से ज़्यादा मंथली यूजर्स हैं जो व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। स्मॉल बिजनेस कैन यूज ऐप ईजिली कनेक्शन विद द कस्टमर्स एंड प्रोटेक्ट एंड द पर्सनल लेवल। हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सनल लेवल के ऊपर और हमें कोई भी छोटा बिजनेस करना है जैसे आप कई शॉप के ऊपर जाते हैं तो शॉप के ऊपर जाते हैं तो वो हमें जैसे कई शॉप वाले जो शॉपकीपर होते हैं वो हमें कार्ड देते हैं कि मैम हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर जो भी नया प्रोडक्ट आता है हम वो प्रोडक्ट डाल देते हैं आप अगर आपको पसंद आए आपको ऑर्डर करना तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करना होता है छोटे बिजनेस जो होते हैं वो आप इजिली व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद ट्विटर गेंड नोटरी एज ए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट दैट जस्ट इंक्लूडिंग टेक्स्ट पोस्ट ऑफ अप टू 140 कैरेक्टर सिंस इट लॉन्च इन 2006 ये लॉन्च किया गया था 2006 के अंदर। इट हैज़ राइज द कैरेक्टर सिंस द लॉन्च इन 2006 इट हैज़ राइज द कैरेक्टर लिमिट्स ये अपनी जो कैरेक्टर लिमिट है 140 से इसकी राइज कर दी गई है। नाउ लेट्स ए यूजर शेयर्स अदर्स इसकी जो लिमिट है वो राइज कर दी गई है अब जो यूज़र्स हैं वो फोटोज़ वीडियोस भी अपनी सोशल जो ट्विटर है उसके ऊपर सेंड कर सकते हैं डाल सकते हैं। विद अबाउ 330 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं इसके ऊपर 330 मंथली यूज़र्स हैं। इट हैज़ नॉट ओब्क्यूट्स ऑन द फेसबुक फेसबुक से लिंक नहीं है ये फेसबुक ने नहीं खरीद रखा। हाउ एवर इट इज़ स्टिल वाइडली यूज अमंग द जनरल कंज्यूमर स्टिल वाइडली यूज है ये। इसके बाद स्नैपचैट तो आप सभी को पता ही होगा कि स्नैपचैट बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि मोबाइल मैसेजिंग स्नैपचैट के ऊपर आप चैट भी कर सकते हैं और अपने फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं आपके वीडियोस भी बना सकते हैं। स्नैपचैट इज़ अ मोबाइल मैसेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूज़र कैन शेयर वन टाइम कंटेंट विद फ्रेंड्स एंड पोस्ट स्टोरीज एंड गो आउट टू द यूज़र्स फॉलोअर्स आप अपने फॉलोअर्स तक जा सकते हैं आप अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं अपने फॉलोअर्स को। जो रिलीज है ये किया गया था 2011 के अंदर द क्विक ये बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी पॉपुलर हुआ है इट बिकम क्विकली पॉपुलर ये बहुत ही बहुत जल्दी पॉपुलर हुआ स्नैपचैट और आज के टाइम पे तो सभी ये बोलते हैं कि स्नैपचैट पे आप वीडियोस बनाएं फोटोज़ क्लिक करें
एक्सक्लूसिवली विद द यंग कंज्यूमर, जो यंग कंज्यूमर हैं उनके साथ। इट हैज़ सिंस स्लोली अ बिट, हाउएवर देर आर द स्टिल अबाउट 360 मिलियन मंथली यूजर बाय वर्ल्ड वाइड यूजिंग द सोशल मीडिया चैनल है ये। एक वर्ल्ड वाइड के अंदर, वर्ल्ड के अंदर यूज़ किया जाता है स्नैपचैट ब्रांड। द मार्केट द यंग टू यंग कंज्यूमर्स कैन गेट अप बिजनेस अकाउंट्स एंड एडवर्टाइज ऑन ऐप। जैसे अब बिजनेस मैन है, बिजनेस अकाउंट्स हैं, वो बनाए जाएँ स्नैपचैट के ऊपर, बनाते हैं और उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट डालें कि ये जो प्रोडक्ट है ये नया आया है मार्केट के अंदर ये, और जो भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है वो थ्रू स्नैपचैट हम उस प्रोडक्ट को बता सकते हैं कि नया प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्वालिटीज़ को बता सकते हैं स्टोरीज के थ्रू। तो हम इसके थ्रू बिजनेसेस कर सकते हैं। इसके बाद आज का लास्ट जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या होता है कि फास्टर एप्लीकेशन है जो आपके मैसेजेस को पहुंचाता है, डिलीवर करता है आपके मैसेजेस को। टेलीग्राम हैज़ ए नो लिमिट ऑन द साइज ऑफ योर मीडिया एंड चैट्स। कोई भी लिमिट नहीं होती है टेलीग्राम की, मीडिया की। जैसे आप कितनी भी चैट कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड टॉप ऑफ द 10 मोस्ट डाउनलोड्स ऐप, ये 10 मोस्ट डाउनलोड ऐप के अंदर आता है टेलीग्राम। आज की वीडियो में हमने किए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि टिकटॉक आया था जो कि बैन कर दिया गया, बट वो भी बहुत मोस्ट पॉपुलर ऐप के अंदर से रहा है। टिकटॉक भी बहुत पॉपुलर हुआ था, तो ये मोस्ट पॉपुलर ऐप के अंदर आता है। उसके बाद है वी चैट है, वीमो है, या और भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो हैं, हमने आज किए सिर्फ जो मोस्ट पॉपुलर, जो ट्रेंडिंग जिनको हम बोलते हैं वो ऐप्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और नई नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।